हाय एवरीवन, आई एम अजय डेडा एंड यू आर वाचिंग अजय डेडा फिटनेस। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 21 एक्सरसाइज हैं ये, कोई भी नो रिपीट वर्कआउट है ये, कोई भी एक्सरसाइज रिपीट नहीं होगी। मेरा साथ देंगी ईतल और साथ में अमिता। ये एक्सरसाइज आपको हफ्ते में सिर्फ दो बार करनी है, नॉर्मल जो 24 मिनट का है या फिर दूसरा कोई भी HIIT आप लेके उसके साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। एक दिन वो किया, एक दिन ये किया, एक दिन वो किया, एक दिन ये किया, इस तरह से आप इसको मिक्सअप कर सकते हैं। डाइट बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आपने ये वर्कआउट कंप्लीट कर लिया हफ्ते में दो बार भी, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट होगा वो बहुत हाई चला जाएगा और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है, खासकर लोअर बॉडी के लिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज होगी, 5 एक्सरसाइज होंगी, एक एक मिनट की, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट। इसी तरह से ये 5-5 एक्सरसाइज के बाद रेस्ट होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्किपिंग। स्टार्ट नाउ, 1 मिनट। स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने के बाद शुरू करेंगे। शाबाश शाबाश, कीपिंग कीपिंग, नो प्रॉब्लम, कीपिंग। 20 सेकंड्स हो गए हैं, 40 सेकंड लेफ्ट। कीपिंग कीपिंग, एम्प्टी स्टमक करेंगे ज़्यादा बेटर है। अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम ना हो, मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम है, अगर मॉर्निंग में टाइम ना हो तो 12 बजे तक आपका लास्ट मील होगा, और उसके बाद कम से कम 4 घंटे का गैप के बाद ये वर्कआउट करेंगे। 15 सेकंड और हैं, शाबाश। सुपर एडवांस एक्सरसाइज है और ये वेट लॉस के लिए रामबाण है एकदम से। 5 सेकंड मोर। रखो साइड में, सुमो स्क्वाट स्टार्ट तुरंत। पैर को खोल लेंगे और सीधा होके बाहर की तरफ। 1 मिनट, सब सब आराम से। चेस्ट अप रहेगी, सर ऊपर रहेगा, नॉर्मल अच्छे से नॉर्मल ब्रीथिंग लेके। क्यों क्यों रिलैक्स, चलो कोई सुनिए, बहुत जल्द करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा वर्कआउट है। क्यों भाई, 30 सेकंड लेफ्ट बच्चों, शाबाश शाबाश। थोड़ा और डाउन जाइए, जितना जा सकते हैं 90 डिग्री जाने की कोशिश करिए। फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा सुमो स्क्वाट्स होती है, ये इनर साइड पे जो आपका फैट होता है अंदर की तरफ, उसके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है ये। तो सुमो स्क्वाट सभी के लिए बहुत जरूरी है, आपके इनर थाई पे जितना फैट है सबको रिड्यूस करेगी। 5 4 3 2 1 लंजिस, 30 सेकंड पर साइड, एक पैर से पहले। हाँ चलिए शाबाश, हाँ पूरा नीचे, चेस्ट अप, हाँ 30 सेकंड एक पैर से होगा, 30 सेकंड दूसरे पैर से होगा। कीपिंग कीपिंग, शाबाश। हाँ, और इतना और पैर नीचे लेके जाइए और उस पैर को थोड़ा उधर रखिए। हाँ चेस्ट अप, सीना भार, कमर में आँच बना के। 5 4 नीचे बच्चों, 3 2 मोर, चेंज प्रॉपर करेंगे ये, बस सिंपल ये, इस तरह से कुछ नहीं है इसमें, ये थोड़ा सा ये आपका टो बाहर की तरफ होगा। क्यों 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 क्यों, शाबाश। इतल आपको नीचे जाना होगा, सही नहीं हो रहा है। सवा 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 सवा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलैक्स, सॉरी जंप एंड स्क्वाट स्टार्ट नाउ, अच्छे से। चलिए बढ़िया, वजन आपका पीछे ट्रांसफर होगा एडी पे, पूरा पैर एक साथ आएगा, पंजे पे नहीं आना चाहिए, वरना आपके टो में नी में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों 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 कहते रहेंगे, हिम्मत नहीं आ रहेंगे, स्पीड स्लो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहेंगे। क्यों क्यों क्यों, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश 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 शाबाश। 20 सेकंड लेफ्ट ओनली, थकना नहीं बच्चा, थकना नहीं, शाबाश शाबाश, अच्छे से करो, फास्ट करो फास्ट करो इसको आप अच्छे से। थोड़े से एडवांस हो जाएंगे तो सिंपल ये, इस तरह से। जैसे मैंने पहले की 4 एक्सरसाइज नहीं की, तो इसलिए मुझ पर ज़्यादा आसानी से हो रही है। तो आप जंप करेंगे और सीधा ऊपर से नीचे, इस तरह से।
चलो बस बस बस, चलिए काफ रेज सिंपल, थोड़ा सा पैरों को घुमा लेंगे और ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, घुटनों को थोड़ा सा बेंड हल्का सा, चलिए पूरा ऊपर ऊपर नीचे, हाँ ये, चलो 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 शाबाश, स्ट्रेच करो पूरा, काफ्स मसल्स पूरा खींचना चाहिए, ये साथ साथ में आपका कंप्लीट बॉडी वर्कआउट भी है, तो बॉडी का एक पार्ट ऐसा नहीं होगा इस वर्कआउट में जो छूट जाएगा आपसे। शाबाश बच्चों, घुटनों को सॉफ्ट रखेंगे, लॉक नहीं करेंगे, घुटनों का मूवमेंट भी नहीं होगा, सिंपल ये किया बस, करते रहिए, शाबाश 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 शाबाश, 20 सेकंड लेफ्ट, 20, 15, शाबाश बच्चों, की गोइंग, 10, 9, 8, 7, 6, होल्ड कर करके ऊपर, 4, 3, 2, 1 मिनट का लेफ्ट, रेस्ट है, हाँ, ये एक सेट पूरा हो गया है 5 एक्सरसाइज का, अब नेक्स्ट 5 अब आएंगे, इसमें आपका स्टेपर्स होगा, तो स्टेपर्स है नहीं तो उसके लिए क्या करें, स्टेपर्स कर तो सकते हैं वहाँ पे जाके, हाँ चलो, हाँ ये सामने कर लेना बिल्कुल, उधर 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 यहाँ से दिखेगा, चलो शाबाश, हाँ स्टार्ट, एक मिनट स्टेयर्स करेंगे, आप स्टेपर्स कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, घर में है तो आप नॉर्मल स्टेयर्स में भी कर सकते हैं स्टेपर्स, कोई इशू नहीं है, स्पीड फास्ट रखेंगे और तेजी के साथ करेंगे, शाबाश बच्चों, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, बहुत अच्छे शाबाश, बहुत अच्छे, ब्रीथिंग आपकी नॉर्मल रहेगी सबकी, शाबाश शाबाश, 15 सेकंड और है बस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, चलिए प्लैंक फॉर्म में पैरों को ओपन एंड क्लोज, उस दिन किया था ना, मैट पे रख लो, और आज एल्बो ही रखना है, चलो शाबाश, हाँ पैर को ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, 1 मिनट शाबाश, बॉडी को जितना नीचे रखेंगे उतना फील आएगा आपके कोर पे, और थोड़ा नीचे रखो बच्चों दोनों, आप बॉडी को थोड़ा और पैरल ले जाओ नीचे, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, 40 सेकंड और है अभी, कीप गोइंग शाबाश 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 शाबाश, चलते रहिए बहुत अच्छे, कीप गोइंग, पैर को अच्छे से खोलो, चलते रहिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, चलिए क्लाइंब बस, माउंटेन क्लाइंबिंग स्टार्ट नाउ, शाबाश शाबाश, स्टार्ट नाउ, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, पैर को पूरा आगे पीछे, इधर ये पैर पूरा आगे और पूरा पीछे, बहुत अच्छे बच्चों शाबाश, कीप गोइंग शाबाश, हाँ नहीं मानना बच्चों शाबाश, 30 सेकंड और बस, कीप गोइंग, चलते रहिए, अरे बच्चों शाबाश, 15 सेकंड और हैं, रुकना नहीं है, रुक गए तो वेट लॉस गोल रुक जाएगा, पैर आगे पूरा, शाबाश शाबाश, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, नीलिंग पुशअप्स, मैट पर आ जाओ पूरा,
इतल आप इधर हाथ रखो और उधर नी रखो, चलो स्टार्ट नाउ, स्टार्ट स्टार्ट नीलिंग पोज। हाँ बस आपके, हाँ सरस, पूरा नीचे, पूरा नीचे। देखिए आप स्टार्टिंग में हैं, पूरा नीचे नहीं भी जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, ट्राई करेंगे। अगर आप नॉर्मल पुशअप्स लगा सकते हो तो नीलिंग पुशअप्स की जगह आप नॉर्मल पुशअप्स लगा सकते हैं। शाबाश, कीप गोइंग बच्चों, कीप गोइंग, शाबाश, हिम्मत नहीं आना बच्चों, शाबाश, चलो चलो चलो, शाबाश, चलिए 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 चलिए, शाबाश, चलो चलो चलो, शाबाश, चलो शाबाश, हो गया, बस हो गया। 10, 9, 8, कोई इशू नहीं, जितना जा सकते हो जाइए, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हाफ भी हो रहा है तो करते रहिए, ये हाफ होगा तो एक दिन फुल भी होगा आपसे। 5, 4, 3, 2, खड़े हो जाइए, चलो 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 चलो, लास्ट है, लास्ट सेकंड का जंप, फ्रंट एंड बैक, स्टार्ट नाउ, शाबाश, 1, हाँ इस तरह से 1 मिनट पूरा, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, 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 कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, बहुत ही अच्छा कर रहे हो दोनों। सबसे मेन बात है आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, हिम्मत नहीं हारनी है। आपको लगेगा कि आपको आपकी बॉडी गिव अप कर रही है, लेकिन आपका माइंड गिव अप नहीं कर सकता है, आपकी बॉडी वही करेगी जो आपका दिमाग कराना चाहेगा उससे। कीप गोइंग, शाबाश, 20 सेकंड लेफ्ट ओनली, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, शाबाश, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स, 1 मिनट का ब्रेक है, 1 मिनट ब्रेक, इसके बाद अगली 5 एक्सरसाइज है। पानी मत पीना ज्यादा, आप पी लो, 2 हो गए, तीसरा आएगा, 5 नहीं 4 होंगे, लास्ट प्लैंक होगी, 21 जब भी तो होंगे, अभी तो दूसरा हुआ है, दूसरे में थोड़ी सी फॉर्म और प्रॉपर करने की कोशिश करो, जितनी फॉर्म प्रॉपर होगी उतना जहां पे फील आना वहां पे फील आएगा, वो पानी की वजह से। नॉर्मल ब्रीथिंग करो, हो जाएगा, शाबाश। तो रेस्ट का भी पूरा उपयोग करो, अच्छे से ब्रीथिंग करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, रेस्ट, एक्टिव रेस्ट होना चाहिए, शाबाश। 20 सेकंड और है बस आपके रेस्ट के, रेस्ट तो चले, चलो जंपिंग जैक्स स्टार्ट, 1 मिनट और 80 कम से कम, इसमें 20 सेकंड बढ़ गए हैं, 20 हो गए, तो काउंटिंग भी करना है जितने ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन फास्ट, इधर पैरों को चलाइए, पैरों को चलाइए, जित, शाबाश। बॉडी को जितना ज्यादा आप एक्टिव रख सकते हो, जितने ज्यादा आप मूवमेंटों को, जितने ज्यादा मसल्स और जॉइंटों को यूज कर सकते हो, करिए हर एक्सरसाइज में। वेट लॉस हमेशा कंपाउंड एक्सरसाइज से ही कम होता है, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, 30 सेकंड और बस, इसके बाद किक बैक करेंगे, कतरिए कतरिए, बेंड हो गए पैरों को पीछे की तरफ, शाबाश, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आप पैर इधर करिए, आप उधर करिए, और किक बैक उस दिन जो बताया था, हाँ इधर इधर कर लो, इधर क्योंकि उधर आएगा नहीं, क्या पैर इधर करो, हाँ ऊपर हो जाओ उस पर, चलो एक पैर घुटना, एक पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, सीधा सीधा ऊपर, सीधा नीचे, हाँ ये ना ना, ये सीधा नीचे, सीधा ऊपर, इस तरह से, शाबाश, चलो बच्चों, शाबाश, 30 सेकंड और ले, कीप गोइंग, कीप गोइंग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे तो ओवरऑल बॉडी वर्कआउट है ये, एक्सरसाइज करने से आपकी लोअर बैक स्ट्रांग होती है, आपकी साइड्स में जो फैट है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाता है, तो वहाँ की फैट भी रिड्यूस होना शुरू कर देती है, स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे मसल्स एक्टिव हो जाएगी तो फैट बर्न होना जल्दी शुरू हो जाएगा। चेंज, 30 सेकंड, बहुत अच्छा, और ऊपर, शाबाश, शाबाश, शाबाश,
चलो बच्चे शाबाश, कीप गोइंग कीप गोइंग। लोअर बैक में हल्का सा पंप फील आएगा इसे करने से, थोड़ा सा भरी भरी फील होगी, और डरने की बात नहीं है, वो पेन नहीं होता है, वो नॉर्मल ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से फील होता है वो। चलिए बच्चों खड़े हो जाइए, स्क्वैट लगाइए, नॉर्मल स्क्वैट, बिना जंप, नॉर्मल। चलो 1 मिनट स्टार्ट नाउ। सबस घुटने बाहर की तरफ प्रेस होंगे तो थोड़ा सा बाहर की तरफ रहेगा, उसके बाद करेंगे। सबस आपका घुटना टो से आगे नहीं आना चाहिए। कीप गोइंग बच्चों, कीप गोइंग कीप गोइंग। सबस 15 सेकंड हो गए हैं, कंप्लीट ऊपर आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा घुटनों को सॉफ्ट रखेंगे। कीप गोइंग कीप गोइंग। सबस कीप गोइंग। सबस बहुत अच्छे। सबस सबस। जितनी भी आप कंपाउंड वर्कआउट, कंपाउंड मूवमेंट करोगे उतना फैट बर्न अच्छा होगा, उतना आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, और जितना मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा उसी के ऊपर सारा आपका फैट बर्न है। कीप गोइंग बच्चों, शाबाश। सिर्फ 10 सेकंड लेफ्ट, 9, 8, कीप गोइंग, 7, 6, 5, 4। इसके बाद साइड प्लैंक करेंगे, आ जाओ, चलो चलो साइड प्लैंक, साइड प्लैंक, 30 सेकंड, चलो शाबाश, साइड प्लैंक, चलो 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 चलो, स्टार्ट नाउ, लेट हो जाते, साइड प्लैंक, साइड प्लैंक, आराम से आराम से। हाँ ऊपर, होल्ड होल्ड होल्ड, ट्राई करेंगे, 30 सेकंड नहीं होता तो कोई सुनिए, लेकिन मैक्स करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करते रहेंगे। कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितना एक तरफ हो उतना ही दूसरी तरफ भी होना चाहिए। 10, 9, 8, 7, अमिता सर, 3, 2, चेंज चेंज, सर को अंदर मत लो या करो, लो दर्द हो जाएगा। कीप गोइंग कीप गोइंग। सबस हाथ को ऊपर रख सकते हो हवा में, हवा में, ये इतना ऊपर सीधा, जब दर्द हो हाथ में तो नीचे ले आना बेसक, बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे, सिर्फ साइड्स पे फील होना चाहिए, ये कोर स्ट्रांग होना चाहिए आपका, सारा वर्कआउट कोर के इर्द गिर्द है। कीप गोइंग कीप गोइंग। सबस बच्चों 15 सेकंड और, चलो 15 कम करा देता हूँ, 12, 10, कीप गोइंग कीप गोइंग, 9, 8, इतना लो, 9, 7, सबस, 6, 5, 4, 3, ये लास्ट सेट आएगा आपका, इसके बाद एक सेट और होगा, कर सकते हैं ना, क्योंकि आसान है तो, या फिर छोटा कर लेंगे वो मैं अपना जिम वाला। मरेंगे नहीं जिएंगे। अब ईतल की फेवरेट एक्सरसाइज आएगी सबसे पहले, हाई नी, इसका बड़ा मन रहता है इसके एक्सरसाइज करने का। ये भी दुखी हो जाए हाई नी के नाम से। चलो बच्चों खड़े हो जाओ, नहीं जाते यहीं पे रहने दो, यहीं आ जाओ दोनों, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, थोड़ा आप यहाँ आ जाओ। तो हाई नहीं करेंगे, ये हमारा लास्ट सेट है, तो इसमें 6 एक्सरसाइज होंगी, छठा तो प्लैंक ही होगा, नॉर्मल प्लैंक भी प्लैंक है वैसे। स्टार्ट नाउ, हाई नहीं, 1 मिनट हायर, जितना ऊपर जा सकते हो, और पार हायर हायर। शाबाश, इसको जितना आप ऊपर कर सकते हो उतना आपका जो लोअर पार्ट है फील आ जाएगा आपको, 1 मिनट में ही फील आ जाएगा हाँ कुछ हो रहा है, और आपने अगर 1 मिनट ये लगातार कर लिया ना हाई नी अच्छे से 90 डिग्री वाला, तो आप कहेंगे यही है कार्डियो, 1 मिनट में ही आपकी बत्ती गुल हो सकती है। कीप गोइंग, शाबाश बच्चों, 20 सेकंड मात्र, कीप गोइंग कीप गोइंग, शाबाश। चलो 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 चलो, शाबाश, 15 सेकंड और है बस, 10, 9, ऊपर लो अब, 8, 7, 6, और ऊपर,
पांच चार तीन दो, लेट जाओ टेबल इस पे। आप सर इधर करना और उल्टे लेट जाना। आपको हाथ और पैर दोनों एक साथ उठाने ऊपर। चलो उठाइए। सुपरमैन लेइंग कहते हैं इसको। स्टार्ट नाउ। जाओ नीचे, दोबारा आओ। दो तीन सेकंड रुकेंगे फिर दोबारा जाएंगे। लोअर बैक ग्लूट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका लोअर बैक हुआ, आपका ग्लूट हुआ, तो बैक साइड के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपके अपर बैक के लिए, सब सब के लिए। शाबाश शाबाश, कीप गोइंग बच्चों, शाबाश। अमिता लगाइए जोर। कोई नहीं कीप गोइंग कीप गोइंग। देखिए हिम्मत नहीं हारेंगे, एक्सरसाइज को देख के नहीं कहेंगे कि मेरे से नहीं होगा। कम होगा, कम आप उठ पाएंगे, कोई सुनिए, लेकिन करेंगे जरूर, देख के नहीं छोड़ेंगे। कोई भी एक्सरसाइज हार्ड नहीं होती है, इतने आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे लगेगा। आप कर सकते हो। 10 सेकंड लेफ्ट ओनली। शाबाश शाबाश। 5 सेकंड ऊपर होल्ड। 5 4 3 2 रिलैक्स। लेटे रहेंगे। अब हाथ आगे, चेस्ट अप करके ऊपर खींच के, और पीछे आगे ऊपर। चलो चलो, सुपरमैन पुल है ये। ये आपके बैक फैट जो होता है उसको कम करने के लिए। हाथों को आगे करो बच्चों। ये जैसे वो कहते हैं ना पुली पुश डाउन, वो वाला बैक के लिए करो। इस तरह से खींचो। चलो सबस। हाँ ये पैर को नीचे रखो, पैर नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूरा खींचे, पूरा पीछे, पूरा पीछे। सबस ये, इससे आपका लोअर फैट जो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत, वो टायर से बने रहते हैं, ये उनके लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। सबस सबस। कीप गोइंग। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रही है बस। कीप गोइंग बच्चों। 30 सेकंड और है बस। सबस। एल्बो ऊपर थोड़ा पीछे की तरफ। सबस 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 सबस। मैंने बोला था ये ओवरऑल बॉडी वर्कआउट है, फुल बॉडी वर्कआउट। बॉडी का एक एक पार्ट का वर्कआउट होगा इसमें। कीप गोइंग। सबस सबस। चलो 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 चलो। 10 सेकंड और। 9 8 7 6 5 4 3 2 सीधे लेट जाओ। इतल सर उधर करना, पैर इधर करना, ब्रिज बनाना है एक पैर से। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। पहले एक से बनाएंगे फिर दोनों से बनाएंगे। पहले एक से 30 सेकंड नहीं घूम के इतल। हाँ हाँ, एक पैर को ऊपर रख लो, ऊपर उठा लो। अब हाँ इस तरह से, या घुटने मोड़ के भी कर सकते हैं, कोई सुनिए कैसे। तो आप अब हमारे एक्सरसाइज होगी ब्रिज। इसको 30 सेकंड दोनों पैर से, सिंगल पैर से। हाँ चलो स्टार्ट। हाँ नीचे जाओ, ऊपर आओ। नहीं पैरों को ऊपर ही रखेंगे, बस ऊपर नीचे, पूरा नीचे। हिप्स नीचे टच करो, ऊपर जाओ, नीचे टच करो, ऊपर जाओ। स्क्विच करेंगे ऊपर। ये ग्लूट्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ग्लूट्स की टोनिंग के लिए। और ग्लूट्स ये जो आपकी ओवरऑल बॉडी को पावर देते हैं, खड़ा होने में, चलने में, दौड़ने में। बहुत बड़ा मसल्स होता है ये ग्लूट्स का। सवास सवास सवास। 10 ऊपर पूरा, पंजे ऊपर की तरफ, ऊपर खींच रहा है जैसे कोई। कीप गोइंग। 4 ये एक्सरसाइज आपकी हार्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे लेकिन आपकी मसल्स में पेन जरूर करेंगे। 4 3 2 चेंज। चलो दूसरा उठाओ पूरा ऊपर। ये एक पैर को बिल्कुल हिप्स के पास रखो, दूसरे वाले को। चलो पूरा ऊपर उठाओ, जितना ऊपर उठा सकते हो। कीप गोइंग सवास। पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पंजे से खींचो बॉडी को जैसे कोई पैर को पकड़ के खींच रहा है इस तरह से। ये और जब ऊपर आएंगे तो ग्लूट्स को अंदर की तरफ खींचेंगे। सवास बच्चों सवास। 15 सेकंड और बस। सवास। कीप गोइंग। सवास सवास। इन वर्कआउट से आपकी बॉडी की जो टोनिंग है वो बहुत अच्छी होगी, ओवरऑल बॉडी टोन्ड होगी आपकी। 5 4 3 2 चलिए अब ब्रिज दोनों पैरों से ऐसे ही ऐसे रखो और ऊपर उठाओ दोनों। ये हाँ इस तरह से। चलो नीचे जाएंगे, 5 सेकंड ऊपर रुकेंगे, ऊपर स्क्वीज करेंगे ग्लूट्स को और फिर दोबारा नीचे जाएंगे। सवाल। और ये वर्कआउट आप कहीं भी कर सकते हैं, जिम में, घर में, आप ट्रेवलिंग करें तो होटल में, पार्क में, कहीं पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
सवा सोचो सवा, सिर्फ 20 से 22 मिनट चाहिए आपको। पैर को थोड़ा पास करेंगे और हिप के पास रखेंगे तो बॉडी ज़्यादा अच्छा से ऊपर उठेगी। इसमें ध्यान रखना है गर्दन को नहीं, एक बॉडी एक लाइन में उठेगी, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं उठानी है। कीप गोइंग बच्चों, सवास 40 सेकंड और हैं। अच्छे से पूरा नीचे पूरा ऊपर, ऊपर स्क्वीज करेंगे, सवास 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 सवास, कीप गोइंग सवास 20 सेकंड ओनली। Keep going. बहुत अच्छा करेगा करा दोनों ने। चलो 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 10, 9 होल्ड करो, 8, 7, 6 होल्ड, 5, 4, 3 चलो घूम जाओ प्लैंक, इधर चला करना, बॉडी को हिलाना नहीं है। प्लैंक मिनिमम 1 मिनट है, मैक्स जितना जा सकते हैं आप। स्टार्ट नाउ, चलो सावास। घुटनों को सॉफ्ट रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे, लॉक नहीं करेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे, पेट को अंदर टक करके रखेंगे, माइंड को अपने कोर पे ले जाएंगे। प्लैंक ये नहीं है कि सिर्फ आप पोजिशन में चले गए और आपने हो गया प्लैंक। आप इतने माइंड को अपने को मसल्स कनेक्शन नहीं बनाएंगे, इतने प्लैंक का 100% नहीं आएगा, अमिता हिलेंगे नहीं। बॉडी को एक लाइन पर रोक के रखेंगे और जितना पैरेलल रख सकते हैं आप जमीन के पास, उतना इस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। सावास बच्चों, 33 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं, 1 मिनट कम से कम है, होल्ड रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। सावास 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 सावास, कीपिंग कीपिंग 20 सेकंड लेफ्ट। अमिता कमर में आर्च बनाइए, चेस्ट बाहर करिए, थोड़ा नॉर्मल ब्रीथिंग करिए, घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। सावास 15, 10, 9 प्लैंक में मेरी काउंटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो अपना काउंटडाउन लगा के रखें। 8 हिलेंगे नहीं। 7 काउंटिंग से पहले नीचे भी जाएंगे और अमिता बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। 6 हो गया बस, 5 हो गया, 4 होल्ड। आज के लिए इतना ही काफी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। 20